नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये क्या बात, भारत भी अमेरिका में है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर महावीर की 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर हम और आप सब जिन शासन की छत्र छाया में अपना जीवन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत अभी हम और आप सब कुछ चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा करेंगे? अभी अभी हाल में ही एक हमारा महापर्व संपन्न हुआ है, किसी को ख्याल में हो तो, क्या नाम है उसका? श्रुत पंचमी। जिन शासन का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है श्रुत पंचमी। क्या होता है ये श्रुत पंचमी, क्यों मनाई जाती है ये श्रुत पंचमी? गाथा बोधी पता है श्रुत पंचमी क्यों मनाई जाती है? नहीं पता है? जिन शासन का जो धर्मोपदेश है वह शास्त्र रूप से पहली बार जनता को उपलब्ध हुआ था, पहली बार ग्रंथ लेखन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी आचार्य दर्शन स्वामी के निमित्त से, आचार्य भूतबलि आचार्य पुष्पदंत ने जो ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम आप भली भांति जानते होंगे। क्या नाम है उसका? षटखंडागम। क्यों भैया षटखंडागम नाम क्यों है उसका? षटखंड छह भागों में लिखा गया था इसलिए उसका नाम है षटखंड, और चूंकि वह आगम ही है, आगम का पार्ट है, इसलिए आगम शब्द लगा हुआ है। जिनको धन कमाने की मशक्कत ना करनी पड़ी हो, जन्म से ही अपार धन हो, उन्हें कदाचित धन की महिमा ना आए। लेकिन उनसे पूछो जो कहेंगे कि जब हम आए थे हमारे पास इतना था, इतना ही था, ऐसी परिस्थितियां थीं, भोजन भी यहाँ पर्याप्त उपलब्ध नहीं था, कैसे दिन काटे हैं हमने, उन्हें उस बात की कीमत होती है। हो सकता है आप उस कुल में उस परंपरा में आए हैं जहाँ श्रुत सहज उपलब्ध है, तो आपको श्रुत की उतनी महिमा कदाचित ना आ पाए, क्योंकि आपने जन्म से सैकड़ों शास्त्र देखे होंगे, पांडुलिपियों में देखे होंगे, अलमारियों में भंडार देखा होगा। लेकिन बात तो यह है कि इन शास्त्रों का थोड़ा बहुत सार मुझे प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। यदि मुझे इसका सार प्राप्त हो गया है तब तो सार्थक है, अन्यथा पुनर्विचारणीय विषय है। श्रुत लेखन का पहला कार्य आज के दिन हुआ, माने श्रुत पंचमी के दिन हुआ, और किस विधि से हुआ वो सब भी आपको पता ही है। दर्शनाचार्य ने जब दो शिष्यों को आमंत्रित किया, उनकी बुद्धि परीक्षण किया, योग्य शिष्य जानकर उन्हें धर्मोपदेश दिया। और वास्तव में अगर ये श्रुत ना हो, संपूर्ण जिन शासन में हम कल्पना करके देखें श्रुत की कितनी महिमा है या जिनवाणी की कितनी महिमा है, हम सोच के भी देखें क्षण भर के लिए, अगर जिन शासन में से जिनवाणी ना रहे तो बताओ क्या रहेगा? मतलब सारा मोक्ष मार्ग धराशाही हो जाएगा। ये श्रुत है जिसके अवलंबन से
मूलाचार ग्रंथ है आचार्य भट्ट के स्वामी का, वहाँ एक प्रकरण है संघ में रहने की प्रेरणा दी गई है, वहाँ एकल विहार का निषेध किया गया है इस काल में मुनिराजों के लिए, और एकल विहार करने से जो नुकसान होंगे उन नुकसानों की लिस्ट बनाई है वहाँ। उसमें से एक लिस्ट ये है कि श्रुत का विच्छेद हो जाता है। श्रुत का विच्छेद कैसे हो जाता है? श्रुत का विच्छेद हो जाता है माने कि जो परंपरा से श्रुत चला आ रहा है, तीर्थंकर महावीर ने जो बात कही थी, गौतम स्वामी ने उसको पुनः समझिए व्यवस्थित करके द्वादसंग रूप रचना करके हम तक पहुंचाई थी, परंपरा से दर्शनाचार्य हों, उमा स्वामी आचार्य हों, कुनकुंद आचार्य हों, जो भी आचार्य परंपरा रही उन्होंने उस श्रुत को लिखा। तो जब ये परंपरा से संघ में रहकर अभ्यास करते हैं तब तो ये श्रुत परंपरा यथावत बनी रहती है। एकल विहार के नुकसानों में इन्होंने लिखा कि श्रुत विच्छेद हो सकता है। कैसे श्रुत विच्छेद हो सकता है? कि जब आप संघ से दूर रहते हैं और अकेले संभाषण करते हैं, अकेले धर्मोपदेश देते हैं, तो वहाँ कदाचित कुछ क्षयोपशम के अनुसार, जरूरी नहीं आप जानबूझ के गलती करें, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, कुछ गलत कहने में आ जाए, तो संघ का कोई साथी ना हो तो बताए कौन कि ये ठीक है। अच्छा, एक बार आप जो सुन लेते हैं, आपने पहली बार सुना वो, तो आपके लिए वह सत्य होता है, फिर आपने और को सुनाया और ने और को सुनाया, धीरे धीरे वो त्रुटि जो होती है वो त्रुटियां परंपरा बन जाती हैं। बाद के विद्वानों के लिए फिर ये कहना पड़ता है इस गाथा के दो रूप उपलब्ध होते हैं एक ये एक ये, और फिर अंततो गत्वा दोनों पाठों को स्वीकृत कर लेते हैं, क्योंकि दोनों गाथाएं दसों ग्रंथों में मिल जाती हैं। दसों में कैसे मिल जाती हैं? वो एक थोड़ी सी, जैसे आप समझो ना कि एक एक व्हाट्सएप पे टाइप करते समय एक गलती हो जाए और फिर आदमी बिना पढ़े फॉरवर्ड, तो मैं ठीक भी कर दूं ना, तो आधी से ज़्यादा जनता के पास तो वो गलत वाला मैसेज पहले पहुंच चुका होता है, सही वाला तो वो देखता ही नहीं है पहले अक्षर छोड़ के। तो इसलिए श्रुत परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि श्रुत के पाठी बने रहें। श्रुत के पाठी बने रहेंगे तो श्रुत परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी, श्रुत के पाठी नहीं रहेंगे तो श्रुत परंपरा कैसे रहेगी? हम तक आज की परिस्थितियों में, जिन्हें हम आधुनिक परिस्थितियां कहते हैं, मॉडर्न युग कहते हैं, इस युग में भी यदि सुख और शांति का उपाय हमें खोजना हो तो कहाँ मिल सकता है? तो श्रुत में मिल सकता है। यद्यपि सच्चे देव और सच्चे गुरु इस धरती के दो दिव्य तत्व हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में, जिनके निकटता में मोक्ष मार्ग सहज संपन्न हो सकता है, लेकिन उनको भी बताने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? श्रुत है। ये सच्चे देव हैं, ये सच्चे गुरु हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं, ये भी हमको कैसे पता चलेगा? जब हमें श्रुत समझ में आने लग जाएगा तब। श्रुत समझ में नहीं आएगा तो नहीं होगा कुछ भी। इसलिए मैं वो सब चर्चाएं अभी बहुत विस्तार से नहीं करूंगा कि जिनवाणी किस श्रम से लिखी गई है। जब ये जिनवाणी लिखी गई है तब ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि आप बोलते जा रहे हैं और टाइप होता जा रहा है। पेन कॉपी वाली परिस्थितियां भी नहीं थी कि अपन ने लिख दिया। वो परिस्थितियां थी कि पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, कांटों से लिखा जाता था, इनग्रेविंग करके लिखा जाता था, फिर उसका प्रोसेस किया जाता था, तब जाके उस पर वो अक्षर उछर दिखते थे। जिन लोगों ने मूल ग्रंथ पांडुलिपियां कभी दक्षिण की यात्रा की होगी तो वहाँ देखे होंगे या फोटुओं में देखे होंगे, 2-2.5 इंच चौड़ा और कम से कम 15-17 इंच ऐसे लंबा उस पर, और बिना फुल स्टॉप के, बिना कोमा के, बिना मात्राओं के, क्योंकि एक एक जगह का उपयोग करना था ना। ये तो अभी तक जो आप हस्तलिखित प्रतियां जो हैं, हस्तलिखित, उनमें भी आप देखेंगे तो पद्य भी जो लिखते हैं वो गद्य की तरह लिखते हैं। मतलब पोइम भी लिखी जाएगी तो ऐसा नहीं ये पहले एक लाइन लिख दें फिर इधर जगह छोड़ दें, इधर जगह छोड़ दें फिर दूसरी लाइन लिखें, वो तो गद्य की तरह लिखते हैं। कोई उसमें पूर्ण विराम नहीं लगाते, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, सीधे लिखते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगाने में जगह बर्बाद होती है
और वो जगह मतलब पत्ते की कीमत वो समझते हैं कि कैसे उपलब्ध हुआ है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आचार्यों ने बहुत करुणा करके ये शास्त्र लिखे हैं, और शास्त्रों में जो लिखा है उसको लिखने से पहले उन्होंने ये लिखा है, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा सर्वज्ञ देवः, इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं, गणधर देव हैं, परंपरा से आचार्य हैं। हम तो इसे पुनः कह रहे हैं, यह कह के उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि सर्व ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुनकुंद आचार्य ने ही 84 पहाड़ लिखे थे, 84 ग्रंथ लिखे थे, हमको कितने से उपलब्ध हैं। समनभद्र आचार्य ने गंधहस्ती महाभाष्य लिखा था, 7वां सूत्र के ऊपर महाटीका कहना चाहिए उसे, हमारे लिए अनुपलब्ध है। और भी अन्य अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनुपलब्ध हैं। मेरा प्रश्न इतना सा है, ये अनुपलब्ध क्यों है आलोक जी? ये अनुपलब्ध क्यों है? अनुपलब्ध का मतलब तो समझते ही होगे ना। हाँ, जब 84 ग्रंथ लिखे थे तो गए कहां? गंधहस्ती महाभाष्य जब लिखा गया था तो वो गया कहां? अच्छा, परवर्ती विद्वानों ने, आचार्यों ने दूसरे ग्रंथों में वो नाम कोट किए हैं, तब तो हमको पता चला कि इस नाम का कोई ग्रंथ है। जैसे मैं आज के प्रवचन में कोई शब्द बोल दूं तब तो आपको ये नोद होगा, लिखा जाएगा कि हाँ इस नाम का कोई शब्द है, उस समय प्रचलन में था। तो गंधहस्ती महाभाष्य में लिखा गया है, ऐसा अन्य आचार्यों ने निरूपण किया है, तो गए कहां वो ग्रंथ? आइडिया है किसी को? आपके घर के खजाने की बात कर रहा हूं, हाँ, किसी और की संपत्ति की बात नहीं चल रही है। ये हमारे घर का खजाना है, और ये वो खजाना है तीर्थंकर महावीर जब महावीर बन गए तो इसके अलावा दूसरा कुछ काम किया नहीं उन्होंने। कितने वर्ष में दीक्षा ली थी? 30 वर्ष में। केवल ज्ञान कितने वर्ष में हो गया था? 42 वर्ष में। अच्छा, 42 वर्ष के बाद निर्वाण कितने वर्ष में हुआ था? 72 वर्ष में। तो लगभग लगभग केवल ज्ञान के बाद निर्वाण तक की जो आयु है कितनी? 30 वर्ष। मेरा सीधा प्रश्न है, 30 वर्ष तक वो क्या करते रहे? तलाटी जी, उपदेश देते रहे। आलोक जी, उपदेश देते रहे। आकाश भैया, आत्म चिंतन में थे। और कोई उम्मीदवार? अपनी बात रखने वाला, हाँ, करेक्शन कर लिया, चिंतन में तो पहले थे। चिंतन में थे तब तो उनकी ये स्थिति बनी है, लेकिन अब तो चिंताओं से मुक्त हो गए हैं, चिंतन से मुक्त हो गए हैं, अब तो उसका आनंद ले रहे हैं। वो तो उनका निजी काम हो गया, वे आनंद ले रहे हैं, आत्मा में लीन हैं। व्यवहारिक रूप में यदि कहा जाए तो क्या कर रहे हैं? 30 वर्ष तक उन्होंने, जब तक मोक्ष नहीं हो गया, जब तक निर्वाण नहीं हो गया, वे क्या करते रहे? समझो, पहले दिन उनको केवल ज्ञान हुआ, कितने बजे के? सब सुबह सुबह केवल ज्ञान हो गया। चलो बताइए सर, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? केवल ज्ञान होते ही सबसे पहला काम क्या हुआ वहां? हा? धर्म उपदेश हुआ। हा? समोसरण। हाँ, तो मंडप तो डालने, तो तब तो पब्लिक आई। हाँ, समोसरण की रचना हुई। समोसरण की रचना हो गई। अच्छा, समोसरण की रचना होने के बाद क्या हुआ? इनविटेशन कार्ड भेजे गए, है ना? जहां जहां जो जो भी नगाड़े बजाए गए होंगे, सूचनाएं फैलाई गई होंगी, व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी हुआ होगा, किए ही होगा, उस समय के हिसाब से जो सुविधाएं होंगी जनता तक, वो सूचनाएं पहुंची होंगी कि साहब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? पब्लिक दौड़ी दौड़ी आ गई। भाई, देवता लोग तो सीधे आ गए वाईफाई से। मनुष्य लोग भी वहां पहुंच गए, और आश्चर्य की बात यह है कि त्रियंच गति के जीव भी वहां शामिल हो गए। क्या वातावरण रहा होगा? हम उस काल में हैं जब मनुष्य को मनुष्य के साथ बैठने में क्या, क्यों, कैसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। और जब हमारे धर्म तीर्थ की शुरुआत हुई थी तो देवगति, त्रियंच गति, मनुष्य गति एक साथ बैठ के सानंद लाभ लेते थे धर्मोपदेश का। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, नए नए बैनर छपते गए,
कुछ बैनर इस पार्टी के, कुछ बैनर उस पार्टी के, कुछ बैनर उस पार्टी के, फिर बैनर में और बैनर, बैनर में और बैनर। तो अब हम धर्मोपदेश से पहले ये चिंतन करने लग जाते हैं किस बैनर का है। और यहीं से समझ लीजिए हम अपने जिन शासन पे, जिन शासन के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना शुरू करते हैं, जब हमारे लिए मूल तत्व गौण हो जाता है और गौण चीजें मुख्य हो जाती हैं। मतलब हम क्या सही है यह खोजने की जगह है, कौन सही है यह हम खोजने लग गए। और जैन दर्शन की शुरुआत यहां से हुई है कि यह व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है, यह नाम की कोई मुख्यता नहीं है, यह गुणवादी दर्शन है, यह काम की मुख्यता है। हमसे तो कोई सहज भी पूछता है कि तुम्हारे भगवान कौन से हैं, तो हम तो उसे ये बताते हैं, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। ये तो हमारी लौकिक मजबूरी है कि हमें नाम का व्यवहार करना पड़ता है। ये महावीर हैं, ये आदिनाथ हैं, ये पार्श्वनाथ हैं, सच्चाई है, सब एक ही है, बोला अंतर है क्या? आदिनाथ भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व 5 भाव ये सब विषय समझाए, और अजितनाथ भगवान ने, संभवनाथ भगवान ने। अच्छा, आदिनाथ भगवान की सकल तो एकदम परम शांत मुद्रा थी, नासाग्र दृष्टि थी, पद्मासन हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए थे, समचतुर संस्थान था। अजितनाथ भगवान का, संभवनाथ भगवान का, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, चंदा प्रभु, शांतनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के पास तो सर्प था, नहीं था, भरत, बाहुबली, हाँ बाहुबली के पास बेले हैं। एक है, एक है, सब एक हैं। किस मामले में एक हैं? राग द्वेष कामादिक जीते कौमा सब जग जान लिया। राग द्वेष कामादिक जीते माने वीतरागी हो गए, सब जग जान लिया माने सर्वज्ञ हो गए। तो सर्वज्ञता और वीतरागता के आधार पर सब 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 एक रूप है। यहां सिर्फ लौकिक व्यवहार में नाम व्यवहार है, अन्यथा गुण व्यवहार नहीं है। और मुख्यता गुणों की है, नाम की नहीं है। उसी मेरी भावना में लिखा है, तुम्हें बुद्ध कहना हो बुद्ध कहो, वीर कहना हो वीर कहो, हरि कहना है हरि कहो, हर कहना है हर कहो, जो तुम्हें दिखाए सो नाम धर दो। लेकिन ध्यान रखना, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसे मान नहीं होना चाहिए, मायाचारी नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुं, कोई विकार नहीं चलेगा। उनका नाम स्वयं प्रभाव होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका नाम स्वयं भू होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साहब उनका नाम महापद्म चलेगा, हाँ चले दौड़ेगा, हमें कोई समस्या नहीं है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अब तुमको कुछ भी नाम हो, हम चावल लेके अर्घ चढ़ा के पहुंच जाएंगे पूजने के लिए। अच्छा उसी नाम का कोई और हो, कहा है महावीर है क्या यहाँ? अब बोलो, अब मंदिर आए हैं तो महावीर भगवान की पूजा करने आए ना, और महावीर हमको रास्ते में मिल जाए फिर वहीं चावल चढ़ा दे, मैं जूम पे हैं, हाँ महावीर भाई अर्घ चढ़ाएं आपका, तो महावीर भाई खुद कहेंगे नहीं 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 मुझे मुझे मत चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ, क्यों? यहाँ तो काम राग द्वेष मोह माया विद्यमान है ना, तो जब तक इनका अभाव ना हो तो भगवत्पना प्रकट ना हो। तो इसलिए पूरा धर्म, पूरा दर्शन, पूरी श्रुत परंपरा इस पर आधारित है कि हम गुणों की चर्चा करेंगे। इसलिए यदि हम सच में सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो हम क्या सही है इस बात का खूब चिंतन करें, खूब मनन करें, खूब विचार करें। कौन सही है इसमें उलझ जाएंगे। अच्छा क्या सही है ये हमें पता चल जाए ना, तो फिर उसके अनुसार जो बोल रहा हो वो सही है, कोई कठिन काम नहीं है। कौन सही है ये भी हम तय करा देंगे, लेकिन पहले कौन सही है अगर ये तय कर लिया फिर तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। और क्या सही है ये पहले तय कर लिया फिर आप निश्चिंत हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, आप स्वर्ण का लक्षण जानते हो, सोने की पहचान जानते हो, सोने की कीमत जानते हो, सोने की महिमा जानते हो, तो जब सोने के सिक्का बटते हैं तो फिर आप ये विचार करते हो बांटने वाला कौन है। समझो प्रभाव नाम है जो आज अपन ने प्लानिंग की है एक एक सिक्का सबको देने की। तो किसके हाथ से लेना पसंद करेंगे आप, किसके हाथ से लेने पड़ेंगे? और आपको जल्दी जाना हो
और मैं आपसे कहूँ 5 मिनट रुक जाओ, उनके हाथ से ही बटना है, उनके हाथ से ही बटना है उनके, आप फिर बोलो कैसी क्या आकुलता होगी, अरे क्या करना है तो हमको दे दो यार। मतलब हम कितने विज्ञ पुरुष हैं, कितने समझदार हैं, जैसे ही हमने कहा कि सोने का सिक्का यहां वितरण होगा तो आपकी दृष्टि कहां गई, कहां गई, बांटने वाले पर। बांटने वाला युवा है तो लेंगे, वृद्ध है तो लेंगे, पुरुष है तो लेंगे, स्त्री है तो लेंगे, हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी जाति पंथ संप्रदाय वेशभूषा काला गोरा लंबा ठेंगड़ा लंगड़ा लूला कोई भी है। मतलब तो सोने से है ना, तो हम इतने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है तो इसलिए हमको उसको रिचार्ज करना चाहिए। जिस समोसरण में गधे आ रहे हैं लाइन से, घोड़े आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, शेर आ रहा है और बाजू में गाय आ रही है, बोलो ना गाय को डर लग रहा है ना शेर को डराने का भाव आ रहा है। किस जाति की व्यवस्था रही होगी या किस जाति का वातावरण रहा होगा, कितनी भद्रता, कितनी भद्रता कि जो जन्मजात बैरी हैं वे भी अपना बैर भूल जाते हैं। उस शासन का नाम जिन शासन है, हम कैसे याद रखें, क्यों बैर भूल जाते हैं, क्योंकि मार्ग ही वितरागता का है ना। तीर्थंकर परमात्मा जहां विराजमान रहते हैं वहां वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि सब 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 दिमाग से सब चीजें चली जाती हैं। ये मंदिर हमारे समोसरण के प्रतीक है, मैं तो कहता हूं सच में। आप मंदिर के बाहर क्या पंचायत करते हैं पता नहीं, जब निश्चय 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 बोल के अंदर आए तो वहां तो मैं और तीर्थंकर परमात्मा बस। सुगम मार्ग है, सुगम मार्ग है। आपको सोने का निर्णय है तो फिर आपको सारे संशय दूर हो गए, आपकी कोई समस्या नहीं है। आप सीधे केंद्र बिंदु इतना है कि हमारा ध्यान यह है कि हमारा सिक्का मिला क्या नहीं मिला, और साथ में हम घर में 3 लोग हैं तो उसका और दे दो। हमारे यहां तो ऐसा होता है, उसका भी दे दो। नहीं नहीं साहब उसका क्यों दे दे, नहीं नहीं वो आना ही चाहती थी, वो तो अचानक से कुछ ऐसा हो गया था, पूरा मन था आने का, आज तो जरूर आने वाले थे, क्यों ये सब क्या हो रहा है। बांटने वाला दिगंबर रहेगा तो लेंगे या बांटने वाला श्वेतांबर रहेगा तो लेंगे, बोले सब प्रश्न बेकार हैं, क्यों आपकी दृष्टि सोने पर है। बस आप ये समझ लीजिए, जिन शासन में जब जब भी कुछ पुरुषार्थ करें, जब जब भी स्वाध्याय करें, जब जब भी जिनवाणी पढ़ें, पूजा करें, विधान करें, कोई भी काम करें, आपकी दृष्टि वितराग विज्ञानता पर रहेगी तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको सुखी होना है और सुख वितराग विज्ञानता से उत्पन्न होगा। और उन सबके सार भूत आज हमारे पास, जिसकी हम चर्चा शुरुआत से कर रहे हैं कि 30-30 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर क्या करते रहे, तो क्या जवाब आया, अभी जवाब कहाँ आया, आधा आया। समोसरण की रचना हो गई, पब्लिक आ गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 66 दिन। लो साहब चलो अपन दूसरे किसी का समोसरण लगा दो, 66 दिन का गैप क्यों रखे अपन, कहानी अपनी है। अच्छा चलो 66 दिन बाद उनकी क्या हुआ, दिव्य ध्वनि खीरी, ऐसे ही हुआ ना, धर्मोपदेश हुआ, सुबह सुबह धर्मोपदेश हो गया, फिर दोपहर में क्या हुआ, अच्छा फिर धर्मोपदेश हुआ, फिर शाम को क्या हुआ लोग, फिर धर्मोपदेश हुआ, अच्छा चलो आज आज के दिन पूरे दिन धर्मोपदेश हो गया, अब कल क्या होगा, कल सुबह क्या होगा और दोपहर में क्या होगा, शाम को क्या होगा, अच्छा 2 दिन धर्मोपदेश हो जाएगा, तीसरे दिन क्या होगा, धर्मोपदेश, चौथे दिन धर्मोपदेश, 5वें दिन एक आध दिन जुलूस नहीं रखा गया। जब तक तो लोगों को हाथी पे नहीं बिठाएंगे तब तक तो पैसे कहां से आएंगे, अरे भाई साहब ये इंद्र का समोसरण है, वहां पैसों की जरूरत नहीं, वहां बट रहे थे, तुम क्या समझ रहे हो। अच्छा चलो 1 हफ्ते तक धर्मोपदेश होता रहा, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, महीने भर धर्मो, अच्छा 1 महीने तक धर्मोपदेश होता रहा, दूसरे महीने, सौरभ भाई मतलब कहीं भी कुछ चूक हो तो अपन मिलजुल के ठीक कर लेंगे, मुझे जो ख्याल आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने तक
धर्मोपदेश, चलो पूरे साल भर धर्मोपदेश चलता रहा, फिर अगले साल अब तो एक विधान रख लेते बीच में। सोचना कहीं किसी ने कुछ पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, समझा हो, अगले साल फिर धर्मोपदेश, चलो दो साल धर्मोपदेश हो, तीसरी साल, चौथी साल, पांचवी साल, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं, अठारहवीं, उन्नीसवीं, बीसवीं, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, नितिन भाई पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस वर्ष तक धर्मोपदेश 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 धर्मोपदेश। बोलो हमको एक घंटे का सवा घंटा हो जाए तो कहते बहुत हो गया धर्मोपदेश, अब कल दे लेना। कहीं कहीं तो लोग पूछते हैं तुमने पूरे कार्यक्रम में धर्मोपदेश धर्मोपदेश ही है, कुछ और नहीं है क्या? कुछ और माने वो थोड़ा सा उछल कूद करे तो उसे लगता है हाँ कुछ और हुआ। देखो भक्तों को तरह तरह के भाव आते हैं, उन्हें अपने भावों के अनुसार क्रियाएं करने की छूट है, लेकिन मैं तो इधर से बात बता रहा हूं कि 30-30 वर्ष तक भगवान महावीर, ऐसा क्या था उनके पास? और ये तो 30 वर्ष का आंकड़ा तो मैं समझो भगवान महावीर की दृष्टि से बता रहा हूं, अगर उनकी आयु समझो 72 साल की जगह 82 साल की होती तो कितने साल धर्मोपदेश होता? 30 साल धर्मोपदेश होता और 10 साल जुलूस निकलते। आप बताओ ना, और दूसरे काम समझो बैंड बाजे बुलाए जाते, फिर जो जो लोग समोसरण में हेल्प करते उनका स्वागत होगा। आप अच्छा 82 की जगह 92 साल होती तो, अरे हजारों वर्ष की भी आयु होती तो, और जिनकी हजारों वर्ष की आयु थी उन्होंने क्या किया? धर्मोपदेश 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 धर्मोपदेश। कम से कम श्रुत पंचमी के दिन तो ये समझना चाहिए कि ये श्रुति ही है जो कुछ है। क्या बात कर रहे हो? जब आपको साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह हो, जब आपको साक्षात गुरु ना हो, तो ये इससे बड़ा उपकार करने वाला और कौन है इस धरती पर? आप कल्पना करके देखिए, दिन हो रात हो आधी रात को भी नींद खुल जाए तो ये शरण भूत है, ये श्रुत है। जिसे श्रुत की महिमा नहीं, श्रुत के स्वरूप की अभिलाषा नहीं, धर्मोपदेश का स्नेह नहीं, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? मोक्ष मार्ग की हर समझो विवक्षा इसमें बताई गई है। देखो मैं एक थोड़ी सी श्रुत की प्रेरणा रूप कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ की हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ आपने नाम सुना होगा, ये गौमठ सार और कर्मकांड, गौमठ सार, जीव कांड, लब्धि सार, छपणा सार, इन सब की हिंदी टीका है ऐसा समझ लीजिए। उसकी प्रशस्ति की जो पंक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पढ़ता हूं। इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है। अब ये तो शायद समझाने जैसा कोई वाक्य नहीं है, और खास करके हम पिछले 2-3 सालों से जो वातावरण पूरे विश्व में देख रहे हैं, कोरोना के निमित्त से, दूसरी उसके साइड इफेक्ट से, उसके बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो हमारे सामने हैं, तो मैं समझता हूँ पहले तो इसी एक लाइन पे ये घंटा प्रवचन करके बोलना पड़ता था कि भैया भरोसा नहीं है। अब तो हर व्यक्ति को इतना तो महसूस हो रहा है कि सच में इस हार्ड मास के पिंजरे का कोई भरोसा नहीं है। ये गाड़ी चल रही है तब तक चल रही है, और फुस हो जाए तो अभी एक सेकंड बाद, एक सेकंड तो बहुत हो गए, बाद क्या होता है? वह इतने में तो बा और दा में बा बोल पाऊँ और दा ना बोल पाऊँ, बस इतना सा ही है बस। हालांकि आचार्यों ने जन्म से ही हमें ये ज्ञान दिया हुआ है, हम ध्यान नहीं दे पाते अलग बात है। जैनाचार्यों का दूसरा नाम है सच्चाई, खुल्लम खुल्ला बोलने वाले। बोलो हमारे यहाँ तो छोटे छोटे दोहे, छोटे छोटे पाठ भी होंगे ना तो वो सच्चाइयों से शुरू होते हैं। 12 भावनाएं बच्चे बच्चे को याद रहती हैं, और सबसे पहली पंक्ति यहीं से शुरू होती है। कहाँ से? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वो म्यूजिक म्यूजिक साथ में डाल देते हैं तो पता नहीं चलता हम बोल क्या रहे हैं।
कभी कभी तो ताली और बजाने लग जाते हैं, अपनी अपनी उसे महसूस नहीं हो पाता है कि उसके शब्दों का अर्थ क्या है। लेकिन जब आपको शब्दों का अर्थ पता चले और खास करके जब आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटें, आपके घर परिवार में ऐसी घटनाएं घटें, तो हमको लगता है ना कि जीवन की अस्थिरता कैसी है। भद्र से भद्र परिणामी जीव हो, भद्र से भद्र परिणामी जीव हो, क्या करोगे। राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथियों का सवार हो, मतलब सब कुछ हो जिसके पास, जो कहा जाता है। श्रीमत जी कितनी सी उम्र है, कोई कल्पना कर सकता है। इतना विशिष्ट क्षयोपशम, इतना विशिष्ट भद्र परिणामी जीव, आप कल्पना नहीं कर। उनकी जब रचनाएं पढ़ो तो लगता है, उनके जो पत्र पढ़ो, एक एक पत्र में सत्संग की अद्भुत प्रेरणा, मतलब और कितना दिव्य ज्ञान। शताब्दान आदि के प्रयोग तो खूब किए उन्होंने। उम्र कितनी सी, 33 वर्ष। अब 33 वर्ष क्या होती है बोलो। सात्विक जीवन, मतलब आरोप भी नहीं लगा सकते हैं कि उल्टा सीधा खाया पिया होगा इसलिए निपट गए। सात्विक जीवन, भद्र परिणामी, मैं कह रहा हूं आयुष के सामने दूसरा कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए अब इस पे विस्तार नहीं करते हैं, आप तो हिंट में इतना समझ जाओ। दूसरों के लिए चिंता मत करो, उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ। अब अपन अपनी तैयारी करो। देखो, इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना, शास्त्रों का तो पार है नहीं। और सुन, कुछ जीव व्याकरण आदि के बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों के द्वारा व उपदेश सुनकर तथा सीखने से तो तत्वज्ञानी होते देखे जाते हैं, और कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते, ऐसा भी देखा जाता है। ये सामान्य सी बात है। कोई कोई कम ज्ञान होगा लेकिन उसका श्रद्धान और उसका आचरण खूब होगा, और किसी किसी को शब्द रूप बहुत ज्ञान हो सकता है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतीति और उस रूप आचरण कदाचित ना हो। यहां जो बात बताना चाह रहे हैं वो कौन सी है, सुनिए। सुन, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य नहीं होता, किंतु धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करे तो किंचित पुण्य होता है। धर्मार्थी होकर माने, अब जैसे इच्छा तो शास्त्र पढ़ने की है, लेकिन शास्त्र जो है वो संस्कृत और प्राकृत में है, तो फिर क्या दूसरी इच्छा क्या हुई कि मैं संस्कृत प्राकृत सीख लूं। और संस्कृत प्राकृत सीख लूं माने उसका व्याकरण, उसकी ग्रामर, वो सब चीजें सीखो उसको। तो ये कह रहे हैं कि व्याकरण सीखने में कोई पुण्य नहीं है, लेकिन जिस लक्ष्य से व्याकरण सीख रहे हो इसलिए कदाचित थोड़ा पुण्य कहा जा सकता है। तत्वोपदेश शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए भला तो यह है कि ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना, इस प्रकार शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती को सन्मुख किया। ये जो चर्चा है बहुत विस्तृत चर्चा है, वहां शिष्य अलग अलग तरह के पक्षपात करता है। ये शब्द का पक्षपाती था, वो कह रहा था कि आप पहले डिटेल बताओ, बाल की खाल निकालो, इस शब्द का कहाँ है, इस कंपेरिजन अध्ययन करो उसका, और वहां क्या है, वहां क्या है, वहां क्या है। तो पंडित साहब कह रहे थे कि भैया शब्द के उलझने से बेहतर है इसका भावार्थ पता लगाओ तो अपना काम हो सकता है। और कल्याण अर्थ से नहीं होगा, कल्याण भावार्थ से होगा। क्या मतलब है, अर्थ और भावार्थ में क्या फर्क पड़ रहा है राजीव, कुछ फर्क पड़ रहा है अर्थ में और भावार्थ में, क्या फर्क पड़ रहा है सिद्धार्थ, अर्थ और भावार्थ। मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूं। बच्चा घर में देर से आया खेल करके, तो माँ ने कहा जाओ और खेल के आ जाओ। इसका अर्थ क्या है और भावार्थ क्या है। जरूरी नहीं है जैसा अर्थ हो वैसा ही भावार्थ हो। जाओ और खेल के आ जाओ, इसका अर्थ मुझे जानना हो तो गूगल मेरी सहायता कर सकता है, मैं उसमें लिख दूंगा और मैं जो भाषा समझता होऊंगा उस भाषा में गूगल मुझे उसका ट्रांसलेशन बता देगा। तो अर्थ तो गूगल बता देगा लेकिन भावार्थ नहीं बताएगा। इसलिए शब्द व्याकरण से आपको कदाचित अर्थ तो समझ में आ जाएगा, भावार्थ समझ में, भावार्थ गुरुओं की शरण में आता है। इसलिए आचार्यों के, इसलिए उन टीकाओं को, इसलिए उन वृत्तियों को, इसलिए उन भावार्थों को
हमको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोक में भी यही नियम है, कभी कभी आप किसी से कुछ बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, सामने वाला पता है लास्ट में क्या कहता है, कहना क्या चाहते हो? एक कहना क्या चाहते हो मतलब भावार्थ क्या है। तो आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत समझा है, नहीं, मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। यदि आपने प्रयोजन पकड़ लिया है तो फिर आपकी कल्याण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए, अब अर्थ का पक्षपाती कहता है। सबसे ज्यादा इस बीमारी के शिकार वर्तमान में लोग पाए जाते हैं, अर्थ का पक्षपाती। अर्थ समझते हो ना, अर्थ माने क्या होता है? अब देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहां क्या भावार्थ है ये बताओ, यहां भावार्थ है पैसा। अर्थ का पक्षपाती माने द्रव्य का, पैसे का पक्षपाती। क्या कहता है पैसे का पक्षपाती, सुनो, इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या है, सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। तुम तो एक अगले नोट छापो, बाकी सब काम हो जाएंगे, ये इसका भावार्थ है। लॉजिक क्या दिया, पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, और खास करके वर्तमान परिस्थितियों में। अब कभी कभी तो आपने ये वाक्य सुने ही होंगे, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर सब काम हो जाएंगे आपके, फिर आपको चिंता नहीं है, जम के पहले नोट इकट्ठे कर लो 10-20 बोरे, फिर अपन देख लेंगे, सब कर लेंगे। और धर्म का पाठ भी बता दिया कि तुम जो प्रभावना करना चाहते हो ना, ले देके तो नोटों पे आ ही जाते हो ना, तो पहले कमा लो ढंग से, फिर प्रभावना कर लेना, और पंडित भी ढेर मिल जाएंगे आपको, नोट होंगे आपके पास। तो सुनो भाई, प्रश्न तो ख्याल में आ गया, क्या प्रश्न है? अर्थ का पक्षपाती कहता है, ये उपदेश से बाद में देना, तुम तो हमें पैसा पैदा करने की विधि बताओ, कैसे पैसा आएगा, कैसे लक्ष्मी बढ़ेगी, वो विधि बताओ। हालांकि जैनाचार्यों ने इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान ना देने की बात कही है, और मेरी भावना में तो हम वो पंक्ति बोलते ही हैं, हमें ज्यादा अर्थ करने लग गया हूं तो मुझे डर लगता है कि लोग वो पंक्ति ना हटा दे बाबा। क्योंकि सही मतलब बता दो तो उन्हें वो पंक्ति ऐसे अखरने लग जाती है। उस पंक्ति में क्या कहा है, लक्ष्मी आवे या जावे, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका नाम तो मेरी भावना वाला जीव है। माने तीर्थंकर के अनुयायियों की सोच, उनकी विचारधारा किस स्तर की है, मतलब शब्द मात्र भी रोमांच कर देते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब ऐसे व्यक्ति को कौन ठग सकता है, बोलिए, ऐसे व्यक्ति को कौन बरगला सकता है, ऐसे व्यक्ति को कौन अंधविश्वास में डाल सकता है, ऐसे व्यक्ति को कौन तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष अस्तु वास्तु चक्कर फक्कर में कौन पार सकता है, ये बताओ। क्यों, वो तो पहले ही अनाउंस कर दिया उसने, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब इतना कॉन्फिडेंस जिसके पास हो, वो मैदान में आए तो मोक्ष मार्ग में मजा आए। लेकिन अभी तो उसको लग रहा है कि पंडित जी ये तो ठीक है, नोट होने चाहिए। अर्थ का पक्षपाती कहता है, शास्त्राभ्यास करने से क्या होगा, उसको कहते हैं, अरे पापी, ये संबोधन किया है। शुरुआत यहां से की है, मैंने पंडित जी साहब के बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, खूब जम के, जिन्होंने लिखा है ना, जम के पढ़े हैं, और कहीं भी ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग नहीं किया है, और अक्सर आचार्यों ने कहीं कठोर शब्दों का उपयोग नहीं किया। बहुत स्थान ऐसे मिलेंगे, हे भव्य, हे आसन्य भव्य, हे धर्मानुरागी, हे भव, मतलब ऐसे मोक्षार्थी, ऐसे ऐसे प्रिय प्रिय शब्दों का प्रयोग किया है अधिकांश जगह। लेकिन कभी कभी श्रोता क्रैक पने की बातें कर देता है, मतलब क्या कहना चाहिए उसको, बेवकूफी भरी, तो फिर ऐसे आक्रोश के शब्द आते हैं। अर्थ के पक्षपाती के लिए क्या शब्द आए, अरे पापी, क्यों भी इसको पापी क्यों कहा, सुनो, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं है।
अभी पहले नंबर की भ्रांति तो यही है, मैंने मैंने पैसा बनाया है, मैंने पैसा बनाया है, मैंने पैसा बनाया है। भाई साहब नहीं बना सकते आप, क्या बात कर रहे हो, मैं जब आया था तब ऐसा था और मैंने इतनी मेहनत की और दिन रात मेहनत की, मैंने डबल ड्यूटी की, डे नाइट मतलब काम किया और ऐसा किया और तिकड़मबाजी की और उसको ऐसा किया उसको, मतलब एक अपनी लिस्ट है सबके पास। यहाँ क्या कह रहे हैं वो लोग, लिस्ट फाड़ के फेंक दो, फर्जी हो। कौन सी? मैंने पैसा कमाया, ये बात ही झूठी है। क्या बात कर रहे हो, अभी श्रद्धांत तक पहुंचने के लिए हो सकता है आपको और श्रुत का अभ्यास करना पड़े। यहां तो लिख रहे हैं धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं है, भाग्य से होता है। तो आधे लोग बैठे बस भाग्य भरोसे बैठे, कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा कल से मैं दुकान नहीं खोलूंगा, ऐसे उठपटांग तो बातें करते हैं। अरे भाग्य का मतलब क्या है? पूज्यपाद स्वामी ने भाग्य शब्द की परिभाषा बताई है, पूर्व कर्म का उदय प्लस वर्तमान का पुरुषार्थ, उसका नाम भाग्य है। मतलब आप कितना ही पुरुषार्थ करो, यदि उस जाति का उदय नहीं होगा तो आपको अनुकूलताएं वैसी नहीं मिलेंगी, और कदाचित उस जाति का उदय होगा तो वैसा पुरुषार्थ आप कर ही लोगे। देखो हम तो 10-20 लाख और 10-20 करोड़ रुपया के लिए पंचायत कर रहे होंगे दिमाग में, मैंने कमाए मैंने कमाए मैं, यहाँ कह रहे हैं छह खंड का अधिपति हो ना, छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती। अच्छा वो चक्रवर्ती चक्रवर्ती कैसे बनता है? उसके पापा ने कितनी मेहनत की चक्रवर्ती बनाने के लिए। भरत के पापा कौन? राजा ऋषभ देव ने कितनी मेहनत की कि मेरा बेटा चक्रवर्ती बन जाए। किस इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया, किस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन, मतलब कुछ तो प्लानिंग की होगी ना पापा ने? पापा ने कुछ प्लानिंग नहीं की? अच्छा पापा ने प्लानिंग नहीं की होगी, कोई बात नहीं, बच्चे ने तो सपने देखे होंगे, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा कि नहीं होगा? छह खंड चाहिए मुझे, ऐसे माला जपता होगा। आप सोचो सेमिनार अटेंड किए होंगे उसने, हाउ टू बिकम चक्रवर्ती। ये चलते हैं आजकल, मैं ऐसे बड़े बड़े बैनर देखता हूं, दो दिन में, चार दिन में। आप सोचो, मैंने जो पुराणों में दृश्य देखा है वो तो ये है कि बड़े भाई साहब को तो पता भी नहीं था मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूं, वो तो ऐसे ही बैठे थे रोज की तरह। वो तो दूत ने आके कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, तीन समाचार दिए, तो दो तो उनकी समझ में आ गए, क्योंकि नॉन मैटर था ये, अननोन मैटर था। पिताजी को केवल ज्ञान हुआ है ये बात समझ में आ गई, सात कदम चले धोख दे ली, बेटा उत्पन्न हुआ है जाओ मिठाई बंटवाओ, ये बात समझ में आ गई। वो पुनः प्रश्न करते हैं ये चक्ररत्न क्या होता है भाई, आयुत्सा, तो फिर वो विस्तार से बताते हैं कि भाई इसमें आपको छह खंड का अधिपति बनना होगा और ऐसे युद्ध होगा और आप पूरी विजय, पूरी क्या कहना है, युद्ध यात्रा निकलेगी, विजय यात्रा निकलेगी और सब होगा, और उसके बाद की पंचायतें भी सब आपको पता ही है। भाई सब चले गए धुन में अधिपति बनने के लिए, विजयार्थ पर्वत पर पहुंचे, रात भर करवटें बदलते रहे, सवेरे नाम लिखूंगा, सवेरे नाम लिखूंगा, सवेरे नाम लिखूंगा। साथ में एक कारीगर को ले गए थे, टांकी हथौड़े वाले जो नाम लिखते हैं, वो आराम से खर्राटे लेके सो रहा है। इनने उठाया और जल्दी उठ भाई नाम लिखने जाना है। हाँ वहा माँ साहब, दो मिनट दो मिनट, फटाफट से गया वो, लौट के आके मुंह लटका के खड़ा हो गया वो। भरत बोलते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? अब बोलो क्या बतायो, छह खंड के अधिपति के सामने क्या जवाब देवे, क्या जवाब देवे? ये राजा महाराजाओं के सामने बोलने में भी आदमी को डर लगता है, वो भी छह खंड का अधिपति, गिग्गी बन गई उसकी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकले क्या हुआ है। तो दो चार बार पूछने पर भी जब जवाब नहीं दिया तो पकड़ के ले गए, मेरे को देखा क्या मामला है, मेरे मुझे बता क्या मामला है, और जाके मामला देखा तो क्या देखा, तो हमारा नशा ही नहीं उतर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो प्लास्टिक का डब्बा हमारा थोड़ा साइज में बड़ा है जिसमें चार पहिए लगे हैं। क्या क्या करे, जीव सूझता नहीं ना। फिर जो काला पीला किया सब पता है, क्या किया, दूसरे का नाम मिटा दिया। ये प्रशस्ति मिटाने का, नाम मिटाने का, नाम ये कोई नया काम नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। हाँ ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो होगा देखा जाएगा, मेरा नाम रहना चाहिए भले ही वो दो दिन नहीं रहेगा। मिटाते मिटाते ये अकल नहीं आ रही थी कि बेटा तुम मिटा रहे हो तो तुम्हारा कोई नहीं मिटाएगा क्या? लेकिन उस समय धुन में रहते,
जोश में रहते हैं, जैसे युवा लोग होते हैं जो भी अपन काम करते हैं तो उस समय कुछ सूझता नहीं है, उस समय तो सिर्फ ऐसा लगता है बस जैसे मीटिंग चल रही हो और आप कुछ बात कर रहे हो, तो कभी कभी इतने अग्रेसिव हो जाते हैं जैसे पूरा देश का ठेका हमने ही ले रखा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बाद में पता चलता है नहीं सब अपने आप ही होता है, कुछ दम नहीं है सर, गए जोश जोश में। चलो अपन वापस आ जाओ, 6 घंटे छोड़ो, धन कुछ तेरा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, जिनको डाउट हो वो आ जाओ 101 सेशन ले लो भाई साहब, एक सेशन ले लो 1 घंटे का, आपको बता दूं धन तुम्हारा उत्पन्न किया हो तो बोलो। अरे उत्पन्न तो बाद में किया, धनवान तो हम पहले हो गए कि नहीं हो गए, जन्म से ही कोई लखपति कोई करोड़पति कोई हजारपति कोई गरीब कोई अमीर है कि नहीं है, तो अभी अभी जो बालक गर्भ में आया है वो करोड़पति कैसे हुआ मुझे ये बताओ, क्यों अभी तो उसने कुछ मेहनत की ही नहीं है। 5 साल का बालक भी करोड़पति हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो 5 साल का बालक करोड़पति कैसे होगा अगर मेहनत से होते हैं तो, क्या मेहनत की उसने 5 करोड़पति के लिए, 5 साल के बालक ने करोड़पति बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, कितनी किताबें पढ़ी है? कितनी उसने जो है लाइब्रेरियां पढ़ी होंगी पैसा बचाने की और रिच बनने की और जो जो भी हैं, वो तो ऐसे ही हो सकता है वो तोतला हो करोड़पति हो, हाँ उसे बोलते ना बनता हो, 2 सेंटेंस भी ढंग से ना बोल पाता हो, माइक सामने रख दो तो, और अरबों का संपत्ति है उसके पास, तो ये जो तमाशा है ये क्या है, जो इस तमाशे को समझ जाएंगे ना उनका जीवन बहुत सहज हो जाएगा, और जिनका जीवन सहज हो जाएगा उनका मोक्ष मार्ग शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है, असहजता में तो आपको बहुत झंझट पड़ जाएंगे। हम अपनी इतना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं उसमें मेरे वर्तमान पुरुषार्थ का सच में कोई लेना देना नहीं है, पूर्व का बांधा हुआ कर्म योग है। इसलिए तो हमने गीत गाए थे, कौन से, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, ये बूस्टर डोज है वैक्सीन तो पहले ही लगा चुके हैं अपन, खूब विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं, कोई हमारा विषय ही नहीं है, तो क्यों, धन कुछ अपना उत्पन्न किया हुआ नहीं होता है। और सुनो भैया, ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। भाग्य क्या है, पुण्य कर्म का उदय है ना, तो पुण्य कर्म का बंध कैसे होता है, भद्र परिणामों से, और शास्त्र अभ्यास में जैसे भद्र परिणाम होते हैं क्रियाओं की दृष्टि से, वो सामायिक में चले जाओ अलग बात है, क्रियाओं की दृष्टि से जितने भी परिणाम होंगे उन सब में सबसे ऊंचे परिणाम शास्त्र अभ्यास में होते हैं। देखो मैं बताते हैं इसमें, यदि धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और अगर नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से कैसे होगा, इसलिए धन का होना ना होना तो उदयाधीन है, शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होता है, और सुन धन है वह तो विनाशीक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, नरक आदि का कारण है। ये मोटे मोटे मूर्खों के लिए बता दिया है, सम्यक दृष्टियों को छोड़ देना, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है उसमें तो ये पंक्तियां हैं कि जीव नरक कैसे जाता है, तो शुरुआत यहां से की है कि जब इसके बहुत पुण्य का उदय होता है तो उसमें बहुत धन संपदा वैभव राज ठाट बाट सब बढ़ जाते हैं, और धन संपदा वैभव बढ़ने से मति भ्रष्ट होती है, मति भ्रष्ट होने से पाप होते हैं, और पाप होने से नरक जाता है। मतलब क्या हुआ कि ज्यादा पुण्य का उदय माने खतरे की घंटी, आप चले जाओ जो बहुत रईस हैं उनकी क्या हालत है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा जो है ना वहां स्थिति कैसी है, बड़े से बड़े धनवान से जब निकट जाते हैं तो पता चलता है उनके बायोडाटा में ये बात लिखी रहती है, ये 6 महीना वहां रह के आया है, साथ में 1 साल रह के आया है, 2 साल रह के आ जाता है, ये हर 2 साल बाद वहां जाता है, कहां, नशा मुक्ति केंद्र में, वो कौन सा सेंटर होता है, हाँ यही वाला जो आप बोल रहे हो, क्या करें बेचारे, सूझता नहीं है, लेकिन हमने 1 सूत्रीय कार्यक्रम बना रखा है, और अभी तो युग ऐसा आ गया है कि 2-2 फुट के बच्चों से भी पूछो तो क्या क्या करना है क्या करना, और साहब
बड़ा बनना है। बड़ा माने खूब सारे नोट होंगे, खूब सारी गाड़ियां होंगी, खूब सारे घर होंगे और दो चार सैल्यूट मारने वाले लोग होंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हें भटे के भाव नहीं पूछा, तो भी आप अनंत आनंद में रह सकते हो। खाने को पूरी व्यवस्था ना हो, नमक रोटी खाना पड़ रही हो, तो भी आप अनंत आनंद में रह सकते हो। कोई कोई आपको कीमत ना हो, वैल्यू जीरो, कोई ना पूछे आपको। शरीर भी आपका साथ ना दे रहा हो तो भी आप अनंत आनंद में रह सकते हो, क्योंकि वो आपकी निजी संपदा है। और ये रहस्य जब स्रोत के पास जाते हैं तो पता चलता है। पहले ये नशा उतर जाए, फिर आगे की बात करते हैं। कौन सा? कि भैया ये धन है, ये तो विनाशीक है, ये तो नष्ट होने वाला है। होगा क्या? नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, मैंने तो सिक्योर जगह लगाया है। अरे साहब, मैंने तो प्रॉपर्टी ली है, अब प्रॉपर्टी कैसे नष्ट होगी ये बताओ? वो जगह से थोड़ी हिल जाएगी भाई। पहले तो मैंने क्या किया था, वो शेयर मार्केट में लगा दिया था, तो जिस कंपनी में लगाया था वो कंपनी गायब हो गई। तो आपका वाक्य समझ में आ गया कि विनाशीक है। फिर मैंने सोना ले लिया था, सो कब किसने कहाँ क्या कर दिया भगवान जाने। मैं ये समझता रहा जिंदगी भर, पोटली में रखा है, पोटली में रखा है, पोटली खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं निकला, किसी ने घपला कर दिया, तो ये विनाशीक है। लेकिन फिर मैंने बहुत दिमाग के क्या किया, प्राइम लोकेशन पे जगह ले ली, अब तो कहीं नहीं जाएगी ना, अब तो अविनाशी हो गई क्या? नहीं हो गई, पैसा बोलो नितिन भाई, अब तो अविनाशी है ना? दो प्रॉपर्टी यहाँ है, दो वहां है, दो वहां है और तीन यहाँ है, और ये कभी देख रहा हूं, वो जिनसे मिलता हूं बस यही कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉइंट तो ये है कि फिर विनाशी कहां रहा? ये तो अविनाशी हो गया ना। यहां क्या लिख रहे हैं? धन है वह तो विनाशीक है। तो धन अलग अलग रूपों में तो मुझे सच में लग रहा था विनाशीक है। कैश लेके घूम रहा हूं, पता नहीं कोई बुलेट लगा दे और कहां टपक जाए, वो विनाशीक है। लेकिन जो मैंने एकदम सॉलिड मजबूती से किसी के पास रखा ही नहीं, बैंक में नहीं रखा, क्योंकि बैंकों का भरोसा नहीं, कब कुछ उड़ जाए, ये तो जमीन है, ये तो अविनाशी हुआ कि नहीं हुआ? कि ये भी विनाशीक है? अब यहां तो पता नहीं, हमारे यहां तो कभी भी रोड कटिंग में चली जाती है, धड़ाधड़ दुकानें टूट रही हैं, 50 फुट की दुकान है, 10 फुट की बची, भाई साहब 40 फुट कहाँ गया? बोले विनाशी के। अरे रे, हम जिसको परम अविनाशी समझ रहे थे। क्या कह? अरे मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, वो विनाशी के नहीं भी होगा तो तुम तो विनाशी को। तुमने खूब मजबूत बनाया ना घर, कंक्रीट का बनाया, लोहे का बनाया, पत्थरों का बनाया, तुमने जान लगा दी अपनी, तुमने उसे तो अजर अमर कर दिया, फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो विनाशी। विनाशी माने तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा ना, वो तो विनाशी है। भाई संयुक्त है, जिन जिनके पास धन बढ़ गया है उनकी माथे गर्म रहते हैं, उन्हें डर लगता है ज्यादा पहचान वाले ना आ जाए, ज्यादा रिश्तेदार ना आ जाए, ज्यादा समाज वाले ना आ जाए, उनको उनको उनके यही सर दुखता रहता है, मैं किस किस को दूं, किस किस को दूं, किस किस को दूं, देना किसी को नहीं है, बस टेंशन में रहते किस किस को दूं, किस किस को दूं, किसको मत दे भाई। भाई संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, ये कमाने वाला ही जानता है, दूसरा क्या उपदेश देगा इसमें। इसके अगेंस्ट बात सुनो, जो यह शास्त्राभ्यास रूप धन है वह अविनाशी है। ये जो ज्ञान अर्जित किया जा रहा है, ये तत्व ज्ञान जो लिया जा रहा है, ये 7 तत्व का श्रद्धान, ये 6 द्रव्यों का श्रद्धान, ये अविनाशी है। कि साहब मैं मर जाऊंगा, हाँ चिंता मत कर, ये तेरे साथ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? इस जन्म में तो ज्ञान के बारे में बचपन से आप ये पढ़ते आए हैं, एक ही तो ये धन है, ज्ञान धन, जिसे चोर चुरा नहीं सकते हैं, राजा टैक्स नहीं लगा सकता है इस पर, राजा हर नहीं सकता है, मतलब कहीं इसको नष्ट नहीं हो सकता है। यहां तो शास्त्रों में लिखा है, मालूम है आपको, एक बार सच्चे मन से तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कर ले, उसके बाद यदि तू विक्षिप्त भी हो जाएगा तो सम्यक दर्शन कायम रहता है। जगत के लिए यह कहा जाएगा, देखो ये पागल हो गए हैं, लेकिन आपका सम्यक दर्शन कायम रहेगा, क्योंकि वो पागलपन क्षयोपशम में है, श्रद्धान में नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे अभी समझो यहां से कोई वायरिंग में कुछ इधर उधर हो जाए, तो हो सकता है मेरे शब्द कुछ के कुछ निकलने लग जाएं, लेकिन श्रद्धान में कुछ नहीं होगा। हो सकता है शब्द निकले ही ना, हम कोशिश करते रहें और शब्द ना निकले, लेकिन श्रद्धान में कुछ नहीं होगा। श्रद्धान में तो वही बात है जो मैं मानता हूं,
और मैं पूरी कहने की कोशिश करूंगा, और कदाचित ना कहा जाएगा तो इशारे से कहूंगा लाओ पेन दे दो मैं लिख के देता हूं, और आपने जैसे ही पेन दिया उतने देर में असर समझो हाथ पे भी आ गया तो मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं। तो अभी श्रद्धान में तो वही है, मैं कह पाऊं या ना कह पाऊं, मैं लिख पाऊं या ना लिख पाऊं, मतलब इसका नाम है सम्यक दर्शन। देखो ये ज्ञान धन है, वो अविनाशी है, भय रहित है, धर्मरूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है, महंत पुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्राभ्यास में ही लगता है, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बड़ाई करता है, सो तू अनंत संसारी है। उल्टा मामला क्यों कर रहा है? और सुन लो भैया, तूने कहा प्रभावना आदि धर्म भी धन से होता है, किंतु प्रभावना आदि धर्म तो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है। इस पंक्ति को मैं थोड़ा समझाता हूं, लॉजिक क्या दिया था, जितने भी प्रभावनाएं होती हैं ना धर्म से होती हैं, तो पंडित साहब क्या कह रहे हैं सुनो, ये जो प्रभावनाएं होती हैं, प्रभावना माने जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो तो किंचित सावध्य क्रिया युक्त हैं। किंचित सावध्य क्रिया युक्त है माने सावध्य बोलते हैं पाप को, पाप ये तो थोड़ा बहुत तो पाप वहां होता ही है, आप खूब सावधानी से जुलूस निकालो तो भी 100-200 चींटियां मतलब दूसरी तकलीफें हो ही जाएंगी, आप समझ लो। तो आप कोई भी धार्मिक क्रिया करेंगे तो वो तो किंचित सावध्य सहित है, इसलिए समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास धर्मरूप है, वह प्रधान है। अब आप शास्त्राभ्यास कर रहे हैं उस समय भाई साहब थोड़ा भी पाप नहीं होता है, आप चलेंगे तीर्थ यात्रा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, बैंड बाजे बुलाएंगे और कोई भी कार्यक्रम करेंगे, वहां तो थोड़ी बहुत संभावना है भी, जैसे तुम सबसे हाईलाइट कर रहे हो, और ये कह रहे हैं कि ये ऐसा धर्म है इसमें तो इतना भी पाप संभव नहीं है। और उत्तरोत्तर यही नियम है, जैसे जैसे श्रेणी आगे बढ़ती है ना, अपनी स्तर बढ़ते हैं, जब आत्मलीनता होगी तो वहां इतने भी नहीं हो सकता है। शास्त्राभ्यास काल में बाह्य में पाप ना करें, मानसिक आप इधर उधर संकल्प विकल्पों से कर ले, लेकिन आत्मलीनता में तो वो भी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए तो स्वाध्याय नाम का जो तप है, स्वाध्याय नाम का तप वो दसवें नंबर का तप है, दसवें नंबर का। लेकिन तो ब्रांडिंग और क्या कहने प्रचार प्रसार वाली बात है, कोई एक दिन अगर वो भूखा रहे तो जगत उसको सर पर धर ले, तपस्वी 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 दिन भर पढ़ता रहे कोई, ये क्या है, ये तो समझने लेकिन वो दसवें नंबर का है। क्यों है दसवें नंबर का? क्योंकि इसके बाद तो आत्मलीनता ही है। शास्त्राभ्यास मतलब किताब खोल के बैठ जाने का नाम शास्त्राभ्यास अकेला नहीं है, उसके अनेक भेद हैं, वाचना भी है, प्रक्षणा भी है, अनुप्रेक्षा है, आमनाय है, धर्मोपदेश है, मतलब अनेक रूप है। मतलब हो सकता है किताब हाथ में ना हो और ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हों तो भी स्वाध्याय चल रहा हो, तत्व विचार चल रहा हो, क्योंकि तत्व विचार के अनंतर तो तत्व निर्णय होगा, और निर्णय होने के बाद आनंद होगा। तो आनंद लेने के लिए निर्णय जरूरी है, और निर्णय लेने के लिए विचार जरूरी है, और वो तो हमारी कमजोरी है कि घंटों विचार में मन नहीं लगता है, इसलिए अवलंबन रूप धर्म की अन्य अनेक क्रियाएं हैं, क्योंकि सभी जीव एक स्तर के नहीं होते हैं। इसलिए फिर किसी को कहा चल तुमसे कुछ नहीं बनता है, उम्र हो गई है, खटिया पे भी पड़े रहते हो, आप एक काम करो, आप लगातार नमोकार मंत्र ही पढ़ते रहो, यही उपदेश भी शास्त्रों में दिया। द्रव्य संग्रही गाता है 35, 16, 56, 35 अक्षर का मंत्र है, 16 अक्षर का मंत्र है, 6 अक्षर का मंत्र है, 4 अक्षर का मंत्र है, 2 अक्षर का मंत्र है, 1 अक्षर का मंत्र है, ये भी रास्ते बताए गए हैं। और उसी ग्रंथ में यह भी बताया गया है, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, किम विजयण होई थिरो, अप्पा अप्पमिरो, इदमेव परम झाड़म, मत सोचो, मत बोलो, मत बात करो, मत विकल्प करो, आत्मा आत्मा में रहे, यही परम ध्यान है। और कमजोर लोग कभी कहते हैं नहीं नहीं एक बात बताओ हमें, तुम दो ही बातें क्यों कह, भैया हमने सबसे पहले स्यादवाद की स्थापना की है, उससे बात तो बात शुरू की, उनके लिए वो है, तुम्हारे लिए ये है। निश्चय व्यवहार के जब प्रकरण चलता है ना, तो ये प्रश्न उत्पन्न आता है, भैया हमें तो ये बताओ निश्चय उपयोग में लें कि व्यवहार उपयोग में लें, निश्चय बढ़िया है कि व्यवहार बढ़िया है? टोडरमजी साहब से ये प्रश्न किया क्या अच्छा है, तो टोडरमजी साहब ने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? शीत रोग हो
तो उष्ण औषधि लेना चाहिए, उष्ण रोग हो शीत औषधि लेना चाहिए। तुझे औषधि से प्रेम हो गया है, तुझे औषधि का रस पड़ गया है। तू कहता है डॉक्टर साहब बच्चे होते ना वो वाली शीशी देना जो पिछली बार दी थी वो थोड़ी मीठी थी। डॉक्टर साहब कह रहा पिछली बार अलग बीमारी थी, इस बार अलग बीमारी। निश्चय का आधिक्य हो व्यवहार का उपदेश देते हैं, व्यवहार का आधिक्य हो निश्चय का उपदेश देते हैं। काम तो वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का है, जैसे सदैव वैसे साधना है। और इन सबको समझने के लिए एक ही उपाय है, श्रुतभ्यास श्रुतभ्यास श्रुतभ्यास। मैं तो समरी में ये कह सकता हूं 30-30 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर जो कहते रहे, यदि हमें उसकी गहराइयों में जाना है तो हमें अपने जीवन के कम से कम 30 मिनट तो रोज निकालने ही पड़ेंगे। यदि हम 30 मिनट निकालने को तैयार नहीं हैं तो हम शास्त्रों में गोते नहीं लगा सकते, फिर तो हम दूसरे चूंकि शास्त्रों की महिमा कर रहे हैं तो हम भी उस शास्त्र की महिमा कर सकते हैं। सब कह रहे हैं शास्त्र बढ़िया है तो हम भी बढ़िया कह देंगे, अभी जिनवाणी स्तुति में बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गा लेंगे, जयकारा लगाएंगे तो जयकारा लगा देंगे। अंदर से महिमा किसको आएगी, जो श्रुत का अभ्यास करेगा। इसलिए शास्त्राभ्यास करने से, देखो क्या लिखते हैं, यदि ऐसा ना हो तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साधन थे उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में किस लिए लगते हैं। मतलब और टॉप क्वालिटी का धर्म है, शास्त्राभ्यास करने से प्रभावना आदि भी विशेष होती है। सच बात तो यह है प्रभावना भी कैसे करना चाहिए ये भी शास्त्राभ्यास से ही पता चलेगा। एक एक धर्म का अंग, तब तो दर्शनाचार्य ने इतने श्रम पूर्वक शिष्यों को उपदेश दिया और शास्त्र रचना हुई, और योगान योग से जो भी हो, जो नष्ट हो गए सो हो गए, जो बचे हुए शास्त्र हैं वे भी इतने उपलब्ध हैं वर्तमान में कि मैं उनका पठन पाठन करके चिंतन मनन करके अपना जीवन निर्माण कर सकता हूं। आज अपन ने श्रुत पंचमी का अवसर चल रहा था इसलिए तत्संबंधी चर्चा की है, कल से विषय विशेष हम प्रारंभ करेंगे और वो विषय होगा कर्म बंधन की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हमारे भावों का क्या रोल है और दूसरों के भावों का क्या रोल है, जगत में जितने भी काम हो रहे हैं उसमें किस तरह से उसका समझो आपस में संबंध है। यहाँ शास्त्र की भाषा में कहें तो वहाँ शब्दों का उपयोग किया है, अर्थ क्रिया कारित्वपना कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस अनाउंसमेंट। जैसे आप जानते हैं पंडित विपिन जी को तो सभी पहचानते हैं, शुरुआत में इंट्रोडक्शन वगैरह हमने कुछ करा नहीं, भूमिका ज़्यादा नहीं करी क्योंकि पंडित जी का परिचय आई थिंक आपको किसी को नहीं चाहिए, बट हम बहुत आभारी हैं कि पंडित जी ने इन्विटेशन एक्सेप्ट करा और जो हर साल की तरह हम समर स्कॉलर सीरीज करते हैं उसमें आप यहाँ पर बता रहे हैं। तो यही जो शास्त्र अभ्यास का रस वादी हम कंटिन्यू करेंगे, कल शाम को भी है, फिर सैटरडे को हम यहाँ पर पूजन सामूहिक करेंगे, उस पर हम विधान लेंगे, विधान के बाद यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स करे हैं फॉर लंच ऑल्सो, सो प्लीज ज्वाइन। बाकी फिर संडे इवनिंग है और अभी बात चल रही थी तो देखेंगे यदि कुछ और व्यवस्था होगी तो वी विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज, कुछ और सेशंस भी ऐड कर लेंगे जैसे अनुकूलता होगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पर देखते रहिएगा, विल स्टार्ट अनाउंसिंग। और जैसे पंडित जी ने कहा आपको वन ऑन वन स्वाद लेना है तो यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, वी आर वेरी लकी टू होस्ट यू हियर, सो यदि आप कोई उनसे मिलना चाहें ड्यूरिंग डे टाइम और एनी अदर फ्री टाइम, वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी और नीतू एंड वी विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन टेक एडवांटेज। तो अभी के लिए हम जिम्मेवारी स्तुति करके आज का यही विराम करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवा।